लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। यमुनानगर में आज गो तस्करों द्वारा गोरक्षकों पर फायरिंग करने और एक गोरक्षक को गोली लगने के बाद गोरक्षा दल में रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। देर शाम घायल गोरक्षक सुखदेव से मिलने पहुंचे गोरक्षा दल के प्रदेशाध्यक्ष जोगिंदर आर्य ने पीएम मोदी के गोरक्षकों की गुंडागर्दी बयान की निंदा की और गौ तस्करी के लिए सरकार एवं प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि गोरक्षा दल वाले गुंडे होते हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि यमुनानगर पानीपत करनाल से गोरक्षा दल के जो संगठन है वह लगातार गाड़ियां पकड़ रहे हैं और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि गुंडागर्दी किस व्यक्ति की चल रही है। ये सुखदेव जी जो आज गोली लगी है, गो तस्करों ने इसको गोली मारी है। मेरा इसमें कहना ये है, मेरा ये कहना है कि मोदी जी ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि भी गोरक्षा दल वाले गुंडे होते हैं, परंतु आप लगातार देख रहे हैं यमुनानगर पानीपत करनाल में गोरक्षा दल के लोग, जो संगठन है गोरक्षा दल हरियाणा का, लगातार कंटेनर गाड़ियां पकड़ रहे हैं और वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भी गुंडागर्दी किस व्यक्ति की चल रही है। और आज जो ये ताज़ा घटना आपके सामने है, आप हॉस्पिटल में ये लड़का, उसके गले में गोली लगी हुई है और तस्करों के इतने हौसले बुलंद हुए हैं उस बयान से भी हुए हैं, और उसके बाद हम लोग लगातार हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से भी और सब लोगों से मिल मिल करके कृषि मंत्री से कह रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी तस्करी गोमाता की इस हरियाणा प्रांत से हो, इसको बंद किया जाए, बशर्ते इस कार्य के ऊपर कुछ कटौती होने की बजाय रात को हम लोग गोमाता के प्रति श्रद्धा रखते हुए रात को खड़े होते हैं, तो तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि भाई ये सरकार उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाएगी और सरेआम गोलियाँ चलाते हैं और हमारे ऊपर भी चलाते हैं और पुलिस प्रशासन के जो लोग रहते हैं उनके ऊपर भी चलाते हैं। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं सरकार से कि ये अंकुश इन पे लगाया जाए और एक ऐसा काउ सेल बनाया जाए कि ये घुसते ही क्यों है, जहां नाके लगे उसके बाद भी ये उत्तर प्रदेश सीमा को उल्लंघन करके, और वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बावजूद भी ये इतना बड़ा कांड वो लोग करके जाते हैं। इसका मुख्य कारण तो ये है कि जैसे पंजाब में ये लोग वहाँ भी पकड़े जाते थे, परंतु हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सतीश जी, वो पंजाब सरकार ने और गो तस्करों ने मिल करके उनको जेल के अंदर डाला हुआ है। उन्होंने लाखों गौओं की जान बचाई, पूरे भारत में वो कत्लखाने बंद करवाए हैं और बहुत सारी जो गाय के चर्बी से जो घी बनाया जाता था, जो कंपनियां चलती थी, वो बंद करवाई, उसके कारण से आज वो जेल के अंदर है। तो उस डर के कारण वहाँ लोग जो थोड़े से पीछे हटे, तो यहाँ हमारा जो हरियाणा में गोरक्षा दल है, जो यमुनानगर की टीम है, करनाल की टीम है, पानीपत की टीम है, अम्बाला की टीम है, ये सब लोग खड़े रहते हैं और हम ये संगठन सिर्फ गौ माता की भावना से, इसमें कोई राजनीति तंत्र नहीं किसी भी प्रकार का, तो ये लोग रातों को यहाँ खड़े रहते हैं, इसलिए यहाँ ये लोग पकड़े जाते, नहीं तो धड़ल्ले से तस्करी होती है। अगर ये खुलेआम इस तरह चलते हैं और आ रहे, तो निश्चित है कि प्रशासन, नहीं तो प्रशासन चाहे सरकार चाहे तो चिड़िया भी पर नहीं मारे। इतनी बड़ी गाय को लेकर के एक व्यक्ति ट्रक भर के लेके आता, आप देखते हैं, आपने देखा 21-21 बैल एक कंटेनर से उतर रहे हैं और कंटेनर सरेआम सभी नाकों से होकर गुजरता है और पुलिस पूछती भी क्या इसके अंदर बिल्टी भी देखती है तो क्यों नहीं पकड़े जाते। एक सामान्य जो गो तस्कर हैं और सामान्य जो अपने गोरक्षा दल के सदस्य हैं, वो एक शंका के आधार पर और वैसे थोड़ी सूचना जानकारी के आधार पर जब ये लोग पकड़ सकते हैं तो प्रशासन का तो कितना बड़ा तंत्र है। परंतु इससे ये जाहिर होता है कि सरकार की मंशा गो हत्या रोकने की शायद नहीं है। सुखदेव जैसे बच्चों पे हम सबको गर्व होना चाहिए जो कई वर्षों से गौ माता के प्राण बचा रहे हैं। आज इनको जो गोली गौ तस्करों ने मारी है, वो प्रशासन के लिए और हरियाणा सरकार के लिए मैं कहूँगा एक तरह से कलंक है। जिस गौ माता को पूज करके पहली रोटी निकाल करके हम 33 करोड़ देवी देवता जिसमें वास करते हैं, उसकी निर्मम हत्या जिस ऋषि मुनियों के देश पर हो रही है, तो हम सबको जागना चाहिए इसमें। और मैं पुलिस प्रशासन को खास करके दोषी मानता हूँ। अब एसपी साहब तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे, हम खुद 3-4 घंटे से फ़ोन कर रहे हैं, उन्होंने बिजी लिस्ट में डाल दिया, तो कैसे गो तस्करी रुकेगी। तो ये सारा मिली भगत से होता है, क्योंकि एक गाय या एक देसी बैल का मीट 1-1.5 लाख रुपए का बिकता, तो बहुत बड़ा ये एक तरह से गिरोह है।
इसमें पुलिस की मिलीभगत भी होती है तस्करों के साथ, इसलिए जो गो भक्त हैं मैं इनको बधाई देता हूँ बच्चों को, और मुझे स्वयं भी इन पर स्वाभिमान है कि इनके माता पिता पर भी स्वाभिमान है जो रात रात को जाग करके गो माता के प्राण बचाते हैं। इसलिए नहीं आया कि वो ये कोई पैसे थोड़ा देते हैं गोरक्षक, इनको तो सिर दर्द ही मानती है पुलिस भी, रात को पुलिस वाले शराब पी के रखते हैं, जब ये फोन करते हैं गाड़ी आ रही है जी तो पुलिस क्या समझती है कि भाई एक आधा गोरक्षक मर जाए तो अपने आप पीछे हट जाएंगे, लेकिन ये हरियाणा की भूमि है, वीरों की भूमि है, ये पीछे हटने वाले बच्चे नहीं हैं हमारे। पिछले कई वर्षों में 4-5 बच्चे शहीद हो चुके हैं, सैकड़ों आज जेलों के अंदर है, झूठे मुकदमे पुलिस लगाती है, मैं खुद 7 मुकदमे जेल रहा हूँ झूठे फर्जी अलग अलग जिलों में। लेकिन गौ माता में इतनी शक्ति है, वो कोई परमात्मा का एक तरह से 33 करोड़ देवी देवताओं की शक्ति है, बच्चे पीछे हटने वाले नहीं, सरकारें आती जाती रहती हैं। तो रावण भी ये सोचता था तो मारा नहीं जाएगा, लेकिन क्या अहंकार में सीता को उठा के ले आया और नाश हो गया उसका, मारा गया। तो सरकारें भी कई बार पावर में आकर के ये सोचती है भी शायद तुम सदा राजा रहोगे, अधिकारी भी यही सोचते, इसलिए धर्म को भूल करके अधर्म के पक्ष में बैठते और अंत में सब मारे जाते। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। Thanks for watching.